एनोलिंस क्या होती हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ मैं क्या पढ़ना भाई, एनुलिंस। अब एनुलिंस क्या होती हैं? तो एनुलिंस आर दी मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पोलिंस दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन कोवेलेंट डबल बॉन्ड्स। कहूंगी व्हाट आर एनुलिंस, ये होती हैं मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पोलिंस। क्या ये मोनोसाइक्लिक हैं और क्या है फुल्ली कॉन्जुगेटेड और क्या है पॉलीइन्स। फॉर एग्जाम्पल क्या बेटा ये एक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्या ये एक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है क्या नहीं है, बताओ क्या ये एक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, बताओ। नहीं, ये क्या बाईसाइक्लिक, तो ये एक एनुलिन नहीं है। लेकिन इसको यहां से हटा दो, अब बताओ क्या है मेरे पास, ये मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पोलीइन हो गया। पोलीइन एक से ज्यादा क्या है डबल बॉन्ड, मोनोसाइक्लिक भी है और कॉन्जुगेटेड भी फुल्ली। तो क्या ये मोनोसाइक्लिक, ये क्या एनुलिन है, इसको हम बोलते हैं एनुलिन सिक्स। क्या बोलते हैं इसको, एनुलिन सिक्स। सिक्स क्यों बोलते हैं, इसमें छह पाई इलेक्ट्रॉन है। इनका नाम कैसे रखते हैं, जितने पाई इलेक्ट्रॉन ना उसे क्या बोलते हैं, उसका नाम लगा दो भाई एनुलिन सिक्स। तो ये भाई बताओ कौन कौन से हमारे पास, तो मैं आपको ये बताऊंगा इसमें एरोमेटिक कौन सी होंगी और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कौन सी होंगी, वो आपको पता करना आता ही भाई, ठीक है। तो एनुलिंस में देखो भाई, पहले हमारे पास क्या बताओ क्या साइक्लोब्यूटाडाइन एनुलिन है, बिल्कुल। पोलिन भी है, मोनोसाइक्लिक भी और क्या है कॉन्जुगेटेड भी। तो यहां पर चार पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलेंगे एनुलिन फोर। साइक्लोब्यूटाडाइन को क्या बोले, एनुलिन फोर, पाई इलेक्ट्रॉन चार, प्लेनर होगा क्या होगा एंटी एरोमेटिक। आपको पता क्यों होगा भाई, क्योंकि आपको पता है अगर प्लेनर हो और फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन हो तो एंटी एरोमेटिक, फोर एन प्लस टू हो तो एरोमेटिक और नॉन प्लेनर हो तो नॉन एरोमेटिक, इजंट इट। अब बताओ बेंजीन क्या कहलाएगा हमारा, एनुलिन सिक्स क्या कहलाएगा बेटा, ये एनुलिन सिक्स एनुलिन, छह पाई इलेक्ट्रॉन है और प्लेनर भी है तो क्या होगा ये एरोमेटिक, क्योंकि भाई 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन से इसको फिट किया जा सकता है। 4n प्लस 2 से फिट होए प्लेनर तो एरोमेटिक, 4n से फिट होए एंटी एरोमेटिक। ये मत कहियो किसी से भी ना हो तो नॉन एरोमेटिक, नहीं वो उसके अलग रूल होता भाई, नॉन प्लेनर या नॉन कॉन्जुगेटेड, लेकिन यहां पर तो होंगे ही क्या फुल्ली कॉन्जुगेटेड, ठीक है बात। अब बताओ और क्यों, और कौन है हमारे पास यहां पर, बताओ साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। मैं आपको बताऊं भाई, ये प्लेनर नहीं होता, ये प्लेनर, ये बेटा प्लेनर नहीं होता भाई, ये होता नॉन प्लेनर। तो इसको बोलेंगे क्या, दो चार छह आठ, एट एनोलिन, क्या बोलेंगे इसको एट एनोलिन, एट पाई इलेक्ट्रॉन, नॉन प्लेनर क्या हुआ नॉन एरोमेटिक। और एक क्या होगा हमारे पास बताओ साइक्लोडेका पेंटाइन, बताओ बेटा ये बताओ हमारे उसके बताओ क्या क्या जाएगा, साइक्लोडेका पेंटाइन ये क्या लगेगा, हाँ अरे वैसे बना दिया ये सॉफ्टवेयर ने बना दिया ऐसे ही, इसे कुछ ना होता कहीं पर भी बाहर अंदर कुछ ना होती है, ठीक है। बताओ ये क्या है, देखो भाई यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा ना और जो यहाँ पर कौन है हाइड्रोजन अंदर होंगे नहीं, ये आपस में रिपेल करेंगे, ये आपस में रिपेल करेंगे। अरे बोलो भाई, तो पोलिन तो है लेकिन ये आपस में रिपेल करने की वजह से क्या नहीं रहेगा, ये नॉन प्लेनर आ जाएगा और उससे अपने आप क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक क्या हो जाएगा ये, तो ध्यान रखिए एनुलिन 10 स्पेशल केस है, क्या होता है ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये प्लेनर रहता तो क्या होता है ये एरोमेटिक, नॉन प्लेनर होगा तो क्या होगा ये नॉन एरोमेटिक। अगर फिर क्या बात हुई एनुलिन 12, देखो यहां पर आपको फिर तो यहां पर हाइड्रोजन ये भी आपस में रिपेयर करेंगे, अरे भाई
जितना एनुलिन का साइज बढ़ता है ना, उतना उसके अंदर जो हाइड्रोजन होंगे उनमें दूरी बढ़ेगी, उनमें दूरी बढ़ेगी तो मेरी रिपल्शन कम हो जाएगा और वो एनुलिन की प्लेनरिटी को डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या रहेगा, प्लेनर रहेगा। तो प्लेनर होगा, इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो 12 है, 12 किससे फिट होता है, 4N रूल से, 4 × 3 = 12, तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक आ गया। फिर क्या, एनुलिन 14, ये बेटा क्या होगा, प्लेनर, ये तो IITJ में आया हुआ था, प्लेनर है 14 है, तो क्या होगा 4N + 2 से, ये क्या हमारे पास एनुलिन 18, एनुलिन 18, 18 है, प्लेनर है, क्या होगा 18, तो बेटा क्या होगा हमारे पास 4N + 2, 4 × 16 = 2 और 2 = 18, तो ये 4N + 2 को फिट कर रहा है, तो क्या बेटा ये एरोमेटिक आ गया आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना है, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।